हाँ, सबसे पहले तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ई सेल काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और ये जो ई सेल है इस टाइप का कुछ हमने भी सोचा था अपने टाइम में, हमारे सीनियर्स ने भी सोचा था, लेकिन एक कहते हैं ना कि सोचते 100% है लेकिन उनमें से उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट पाते। करना 5 से 10% लोगों का बात है ये। ट्रू। तो थोड़ा बस ये बात है कि हम उन 90% में से हैं कि हम नहीं कर पाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो जो 5% जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया वो हमारे जूनियर्स हैं। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये, और जो हमारे जूनियर्स हैं हम लोग हैं, हमको बहुत बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और सबसे मेन बात है जो अपकमिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में आने वाले, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि अपने अपनी आगे जो उनकी लाइफ है चाहे वो टीचिंग लाइफ, उसको स्मूथ बना सकें। तो बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, और बहुत कुछ बहुत थैंक्स तुम लोगों के लिए कि तुमने ये शुरू किया। So basically this is an entrepreneurship sale which is firstly conducted by our department, by our university, which is CET, Agriculture Engineering Department, and it is also connected with the IIT Bombay. सुना है इसके बारे में, बहुत सुना है, काफी प्रोग्राम भी कंडक्ट हो रहे हैं इसके थ्रू, और एंटरप्रेन्योर सेल, ये जैसे कि एंटरप्रेन्योर के बारे में, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बारे में जागरूकता भी ला रही है, मतलब लोगों को सिखा रही है कैसे करना है, क्या करना है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कॉलेज के अंदर बच्चों को। बढ़िया, मतलब इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसे पहले ना सुना है यहाँ पे, ना कभी देखा गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या कहीं पे, मतलब अच्छा इनिशिएटिव और बढ़िया है। इतना मतलब मजा आ रहा है फिलहाल, जब से ये सेल आया है यूनिवर्सिटी में ना, तब से मतलब एकदम रोमांच लग रहा है सब कुछ। ये हर हर टाइम बाद में मतलब कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करवाते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नया आ रहा है। ऐसा नहीं है किसी एक ही फील्ड को लेकर भाई हाँ तुम इसी के ऊपर रहो, नहीं मतलब वे वास्ट इसको फैला के पूरा ना, तो हर तुम्हें जो टैलेंट है उस टैलेंट को लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारे यूनिवर्सिटी में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हम अपने टैलेंट को किसी ना किसी फील्ड में जाके दिखा सकते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दिस टीटी बैट, हाउ वुड इट बी? टीटी बैट को सेल करना है? हाँ, कैसे बेचोगे उसे? टीटी बैट को कैसे बेचोगे? बेचना क्यों भाई, एक ही तो अपने पास। बस मुझे बेच दो ये, मुझे खरीदना है। अरे ऐसे नहीं सर, पैसा ऑनलाइन कर देना। कितना? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। 150 दूँगा। 150 रुपया देगा? दो नहीं रख लिए। थैंक यू सर। अरे सर, हम आपके हाथ में शीशा देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सिर्फ इकलौता शीशा हो और आपको इन सर को बेचना हो, तो आप इन्हें कैसे कन्विंस करेंगे कि ये इकलौता शीशा खरीद ले आप? हाँ, तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो आपकी ये कमी पूरी कर सकती है। मेरे पास एक शीशा है, रात को लाइट बंद करके 12 बजे देखना, तो इसमें ना गर्ल्स हॉस्टल का दृश्य दिखेगा। नहीं मतलब ऐसा कभी हुआ है आपने अंधेरे में शीशा देखी हो? देखना क्या, आप अभी दिखो, मैं तो डेमो देखना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी 12 बजे मेरे को डेमो देखना। डेमो तो ऐसे थोड़ी नहीं, मुझे डेमो देख। इफ यू हैड टू सेल दिस ईयरफोन टू देवान सर, हाउ वुड यू डू दैट? यू हैव टू कन्विंस हिम टू सेल दिस वन, दिस इज द लास्ट पीस दैट यू हैव। And so you are the customer. You have to do bargaining. ये जो हेडफोन है ना, आप अगर कहीं मतलब जैम में ट्रैफिक में फंस जाए ना, ठीक है, बहुत सारे कंपनी के हेडफोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप अगर कान में लगाते हो तो बाहर का जो साउंड है आपके कान में आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हेडफोन है ना, ऐसे डिजाइन किया गया है, ठीक है, आप अगर कान में लगा के सुनते हो कुछ, बाहर का कुछ साउंड भी नहीं आएगा। और इसमें जो मैग्नेट यूज किया गया है, आपका जो कान है, ठीक है, कान में जैसे बहुत सारे कंपनी का जो एयरफोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें जो मैग्नेट यूज किया जाता है उससे क्या होता है, कान का मतलब उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इसका कैंसर, मतलब कैंसर से भी रिलेटेड हो सकता है, ब्रेन जो है ब्रेन ट्यूमर बन सकता है। तो जब एक आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों से, कि इफ इन केस आपको ये छन्नी बेचनी हो, जैसे कि ये कस्टमर है
आपको ये छन्नी बेचनी है और ये आखिरी पीस है आपके पास, और किसी हाल में इनको कन्विंस करना है कि ये खरीद ले, तो कैसे बेचेंगे इसे? भाई पहली बात तो बहुत अच्छी चीज दी आपने बेचने के लिए, थैंक यू। और अच्छा, हमने अभी तक काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं, अगले कौन से इवेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वी एट ईसेल सीआईटी पूसा शुड कंडक्ट? डीजे नाइट हो गया, कोई ऐसा सेमिनार हो गया, वेबिनार हो गया, कुछ भी जो मतलब तुम्हें बजट फ्रेंडली। ऑफ कोर्स अभी तो फिलहाल अभी आईसीआर के एग्जाम हुआ है, तो अभी जूनियर्स आएंगे तो उन्हें एक अच्छा वेलकम मिलनी चाहिए जो हम लोग को अनएक्सपेक्टेड नहीं मिली थी। कंबाइन एक ग्रुप में होती है मेगा टाइप की, वो होनी चाहिए, और बकायदा उसमें अगर डीजे नाइट्स हो तो और बड़ी अच्छी बात है। वो तो है ही, तुम्हें वैसा नहीं मिला, हमें तो मिला ही नहीं। हाँ तो मतलब एक बोल रहे हैं कि फिर मिलनी चाहिए ताकि जो हम जो झेल चुके हमारे जूनियर ना झेले, वो भी आए तो उन्हें कुछ अच्छा मिले देखने के लिए, कॉलेज के बारे में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। वैसे तो आईआईटी के लेवल का नहीं है, फिर भी मतलब कुछ हो सके, कुछ हो सके, साथ साथ नाइट होनी चाहिए, साढ़े छह सौ में क्या ही कर लोगे? अरे ये अच्छा इन लोगों को मिलता है। और अगर गलती से अरिजीत सिंह वगैरह आ जाए कॉलेज में तो एक्सपेक्टेशन नहीं, इसलिए तो दीवारों में चिपका के रखा हूँ सब चीजें। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल चप्पल छोड़ दिया, हम फर्स्ट स्टार्ट, हम फर्स्ट, गाड़ी चला गाड़ी चला। One question from you, that if you had an opportunity to choose any one fictional character, may it be science fiction or any superhero, as your co-founder of your company, who would it be and why? If I get an opportunity to select a fictional character as a co-founder of my company, I would like to select Iron Man. देखो obviously कि मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ, जेठालाल। उठा ले प्रभु, उठा ले, क्या दोनों? उसका reason यही है कि मतलब कोई बंदा बिजनेस को और घर को अलग रख के एकदम बढ़िया उस चीज को रन कर रहा है। इनके साथ देखो ऑनलाइन वाला सिस्टम स्टार्ट हो, उसके अंदर भी अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पा रहा है, तो इससे बड़ा बिजनेस में तो क्या है। एक्सपेस चला था ट्रेनिंग में जो था मनी हाइस्ट करके, उसमें जो लीड रोल में जो थे प्रोफेसर करके जो थे, मैं उसको एज ए सीईओ रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि एज ए सीईओ का काम होता है कि कंपनी में जो चीजें चल रही पूरा बर्डन उस पे रहता है, तो वो प्रेशर में ना। जैसे तुम्हारे पोस्टर वोस्टर लगा रखे, एक सवाल है मन में, ठीक है, अगर इफ इन केस कोई सुपर हीरो कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर इतने हैं यहाँ पे, उनमें से किसी को तुम्हें को फाउंडर बनाना हो तो किससे बनाना चाहोगे और क्यों? स्पाइडरमैन को बनाऊंगा। क्यों? उसकी एज छोटी है। एस्टर एक्सपर्ट सिटो में क्या नहीं, तो वो तो लेडीज है, लेडी क्या फर्क पड़ता है यार, लेडी बोलती है भाई, जेंडर बायस, जेंडर बायस। नहीं अभी बता रहे हैं कि मतलब मेन चीज है वो फोकस होनी चाहिए स्पाइडरमैन पे, क्योंकि यंग एज का है, एक्सपीरियंस्ड है, और उसके पास स्कॉलरशिप भी है। और उसके पास आंट में भी है जो बेचारी अभी चली गई है, मतलब मल्टीवर्स से कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन उसके पास पैसे हैं, इसी कारण से उसको फंड बनाना जरूरी है ताकि लॉस हो जाए तो भरपाई भूल गई है। टेक्निक भी है। और उसके पास तो सबसे अच्छा बात यह है कि अरे नहीं उसके पास मैजिकल स्पेल है, कौन सा? लीज वाला। खत्म बात, थैंक यू। गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई है, बिजनेस भी करेगा, ध्यान देगा कि है ना, पैसे ले लेते हैं सीए वाले कि है ना, आपका आपको मेंबर बनाएंगे ई सेल के, अभी वापस रिफंड का कोई सिस्टम है नहीं, और क्विज जैसे कोई ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें खुद के स्टूडेंट को, खुद के जूनियर को है ना ट्यूशन बता देते हैं, उसमें चला देते हैं। हाँ एक चीज़ ये देखिए, अदर कॉलेजों से बच्चे स्टूडेंटों को ले लेते हैं नाम से कि हम ई सेल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं तो
खुद के स्टूडेंट होते हैं ऑर्गेनाइज नहीं करने वाले, उनको पार्टिसिपेट लेके उन्हीं से वो सेल में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस दिला देते हैं। ये मैंने देखा था बेटा, क्या सुना है कि वो शायद दूसरों ने सुना, नहीं सुना मेरे को नहीं पता, लेकिन जो सीएई वाले जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियों को अपने कॉलेज बुलाना चाहते हैं क्योंकि दूसरे कॉलेज में तो उनको घुसने नहीं दिया जाता, इसलिए वो ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए। काफी रूमर्स उठ रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा, हद से ज्यादा, आपने भी सुने होंगे, कुछ बताइए हमें। सुनने में तो वैसे देखो हमें भी आया है, तो देखो इन सब चीजों से घबराना नहीं है। तुम कोई नई चीज अगर शुरू कर रहे हो ना, तो अगर जो तुम्हारे क्रिटिसिज्म अगर तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारे अगर हेटर्स हैं, तो सिंपल एक ये सेंस जाता है कि तुम चीज अपनी लाइफ में ऊपर उठ रहे हो। क्रिटिसिज्म नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म उतना तुम ऊपर उठ रहे हो। तो इन सब चीजों से घबराना नहीं है, तुम्हें तो ये है कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा कोई भी चीज शुरू करने में। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस इन सब चीजों को साथ में रखो और अपनी जितना तुम इसको और ऊपर उठा सकते हो सब लोगों को जोड़ो बस। और मैं क्या कहना चाहूंगा, ओह माय गॉड, वाओ। एडी पोसे के बारे में कभी सुना है? हाँ। कैसे? इवेंट्स ऑर्गेनाइज होता है हम लोग के कॉलेज में। ओके, एंड ईसेल क्या है बेसिकली, अगर आप कुछ बताओ तो? मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, मतलब खुद का बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, और बहुत सारा स्कीम है इसके अंदर। आपको बोलूं कि आपको अपनी कंपनी के लिए कोई को फाउंडर चाहिए, एंड वो कोई भी एक फिक्शनल कैरेक्टर हो सकता, कोई भी मूवी वगैरह कार्टून वार्टून, तो आप किसको रखोगे? हैरी पॉटर को रखेंगे। ओके, हैरी पॉटर को क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई जादू करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं और हमको मैजिक पसंद है। ओके यार, अच्छा मैं अगर आपको बोलूँ आपको ये बेचना है ऑन द स्पॉट, तो आप कैसे बेचेंगे? कोई पहले इसका यूज़ बताएंगे, उसके बाद अगर कुछ तो ठीक है। अच्छा अपना ईसेल सीएटी पूछे तो चल ही रहा है, ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी इवेंट्स करा दिए, अगर आपकी कोई सजेशन हो कि हमें आगे और क्या क्या इवेंट्स लाने चाहिए, कुछ इवेंट्स सजेशंस? मतलब ऐसा जो प्रैक्टिकल हो, मतलब कि जो खुद एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं उस वो लोग अगर कुछ मोटिवेट करें और वो लोग बताएं ऐसा कि अभी मार्केट में ये चीज़ का डिमांड है उस बेसिस। अच्छा तो बेसिकली हमें और वर्कशॉप करानी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, ओके हम इसमें देखेंगे और कुछ। ओके ठीक है, थैंक यू। माता जी को क्यों लाया बीच में? शुरू फिर से शुरू, कट। ये हमारा क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है कि पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? मेरा इसका आंसर सिंपल और मतलब जो एग्जैक्ट आंसर है मैं जिसको सोचता हूँ अपनी लाइफ को क्या बोल सकते हैं सुखमय बनाने के लिए पैसा मतलब मैं कमाना चाहूँगा, मतलब लाइफ स्मूथ कटे। हाँ ये है सिंपल आंसर, इसमें कोई वो नहीं। माई आंसर इज ऑल्सो सेम।